तो दोस्त कैसे हो, होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम लेक्चर नंबर 20 अपनी पूरी सीरीज का, और आई थिंक सीएसएस का लेक्चर नंबर 12-13 के आसपास है, 15 के आसपास, आई डोंट नो कौन सा है, बट हाँ है सीएसएस का लेक्चर और पूरी सीरीज का लेक्चर नंबर है 20। और इस लेक्चर में हम यार क्या करने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिए, आपने टाइटल पढ़ लिया है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है। यार इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ग्रिड, ठीक है यार, क्या करने वाले हैं, ग्रिड करने वाले हैं इस लेक्चर में। ग्रिड क्या होती है, ठीक है, नहीं क्यों होती है ग्रिड, नहीं ग्रिड है क्या, सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। फ्लैक्स बॉक्स तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तभी आप ग्रिड पढ़ लो, ठीक है, तुमने अच्छे से, ओ भाई क्या हो गया है, तुमने अच्छे से फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रखा है कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, ठीक है, तो तुम्हें ग्रिड ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है, मतलब आ तो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझ में आ सकती है जब आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड और लेक्चर नंबर हमारा 20 है। स्टार्ट करते हैं ग्रिड क्या होती है, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ग्रिड क्या होती है। और बहुत दिनों बाद कुछ लिखने के लिए मिल रहा है, अभी तक तो यार हम लिख नहीं रहे थे कुछ, है ना, अभी तक तो हम कुछ लिख ही नहीं रहे थे, अभी तक क्या चल रहा था दोस्त, अभी तक तो ऐसे चल रहा था, है ना, ऐसे चल रहा था, प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। आप क्या कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, लिखने का चांस मिला है तो लिखेंगे बढ़िया करके, और तुमको समझाएंगे ग्रिड क्या होता है, ठीक है, ग्रिड क्या होता है। चलो तो यार ग्रिड अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, ठीक है, एकदम इन शॉर्ट भाषा में बोलूं, ठीक है, ग्रिड क्या होता है, एक तुम्हारा ना लेआउट होता है। कैसा लेआउट होता है, मैंने कहा 2D लेआउट होता है। 2D लेआउट होता है, मैंने कहा हाँ, अच्छा 2D बोले तो जिसमें रो और कॉलम हो, बस इतनी सी बात में ग्रिड डिफाइन है, इतनी सी बात में ग्रिड डिफाइन है मेरे दोस्त। ग्रिड क्या होता है, तुम्हारा एक 2D लेआउट होता है, ठीक है, रोज और कॉलम से मिलकर बनता है, दैट्स इट, खत्म खत्म, इतनी बात में खत्म हो गया तुम्हारा ग्रिड क्या होता है, ठीक है, ग्रिड क्या होता है, इतनी बात में खत्म। कैसे समझाओ, एक बार अच्छे से बता के दिखाओ, ठीक है, अच्छे से बताओ, तुमने बोला भाई एक बार अच्छे से बता दो तो ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। तुमने ना एक डब्बा बनाया, ठीक है, तुमने एक डब्बा बनाया, ठीक है, ये डब्बा एक बॉक्स है, ठीक है, अब तुम्हें ना इसके ग्रिड बनाओ, कैसे बनाओगे दोस्त, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना, ये करके कुछ तो तुमने ऐसा कर दिया ना, अब बोलो जेल बना दी, ये तो तुमने जेल बना दी है ना। मैं रुको तो यार दोस्त, रुक तो जाओ एक मिनट यार, तुम्हें बहुत जल्दी है, बस दिस इज ग्रिड दोस्त, दिस इज ग्रिड, ठीक है, आया समझ में, यही ग्रिड है। तुमने मैट्रिक्स करके पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ मैट्रिक्स ऐसे रहती है ना, बेसिकली ऐसे रहती है, यहाँ पे कुछ, तो ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी मैट्रिक्स क्या होती है ना। और अगर मैं हल्का सा एग्जाम्पल दूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऐसे करके हम वो क्रॉस जीरो वाला गेम खेलते थे, वो भी क्या है तुम्हारा, ऐसा तुम ग्रिड बना मान सकते हो, है ना, मान सकते हो ग्रिड, तो ये क्या है तुम्हारी ग्रिड है, ठीक है, इसमें ये क्या है तुम्हारे, ये क्या है दोस्त, ये क्या है, कॉलम बोल सकता हूँ, कॉलम, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, रो बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ दोस्त, मैं इतना बता दो, इतना बता दो, क्या इनको मैं रोज बोल सकता हूँ, क्या उसको मैं कॉलम बोल सकता हूँ, अगर आपने मुझे ये बता दिया तो तुम्हारा काम बन गया ग्रिड का। और ये चीज समझ ली, एक ग्रिड क्या है तुम्हारा, लेआउट है, 2D लेआउट है, ठीक है, 2D लेआउट है, ठीक है, जिसके अंदर रोज होती है, कॉलम होती है, बस इतना सा है दोस्त, एक लेआउट है 2D, ठीक है, कॉलम और इसके अंदर रोज होती है, बस इतनी सी एक ग्रिड है ना, और ये चीज है, एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में बताया है, ठीक है यार, ग्रिड क्या होता है, इतना सही है, ठीक है, इतना सही है। अगर तुम थोड़ा अंग्रेजी में सीखना है तो एक बार गूगल पे लिखना है व्हाट इज ग्रिड, वो तुम्हें एकदम अंग्रेजी जनरेट करके दे देगा, वहां से पढ़ लेना, सेम चीज मिलेगी, सही है। तो रोज आ गया, कॉलम्स आ गया, और तुम्हारी क्या बन गई, ग्रिड बन गई, इसके अंदर तुम अपना कॉन्टेंट प्लेस करोगे, दैट्स इट। अभी ना तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा हूँ, एकदम स्विंग करके जा रहा हूँ, प्लेन है ना, अभी आएगा समझ में, ठीक है, अभी आएगा समझ में, तुम्हें एग्जाम्पल दिखाने लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड इन CSS विद रोज एंड कॉलम्स, यही सब है ग्रिड लेआउट, एक्सेल्स एंड एट डिवाइडिंग अ पेज, मेजर रीजंस, रिलेशनशिप, पोजीशन लेयर, ब्ला 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 आ गया, ये मत दिखाओ, मतलब पोजीशन दिखा दो, है ना, मतलब इमेजेस दिखा दो, इमेजेस क्या होती है, तो तुम इमेजेस देख सकते हो, ठीक है, काफी सारी इमेजेस देख सकते हो, तो ग्रिड क्या कह रही है, ये क्या खुला है ना, ये क्या खुला, हेडर्स, साइड बार, कंटेंट, कंटेंट टू, कंटेंट थ्री, फुटर, नहीं ये क्या है, ये चीज तुमने समझ लिया था ना। अब मैं तुम्हें एक ऐसा बना के दिखाता हूँ ना, एक बना के दिखाता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक डिजाइन बनाना है, ठीक है, एक लेआउट तैयार करना है, ठीक है, एक लेआउट तैयार करना है, तो तुम कैसे करोगे? सबसे एकदम सिंपल सा है ना, सबसे एकदम सिंपल सा, एकदम लेक्चर नंबर 0 आई थिंक 1 में हमने एकदम सिंपल सी चीज डिजाइन की थी, बहुत ज्यादा सिंपल सी, कि मान लो तुम्हारे पास ना एक मिनट रुको दोस्त। मान लो तुम्हारे पास ना एक ऐसे ऐसे वेब पेज है, ठीक है, मान लो वेब पेज है, उसके अंदर क्या है, एक हेडर है, ये बहुत गंदा सा बनेगा आई थिंक, उसके अंदर मान लो ये एक हेडर है ना, मान मान के चलो, मान तो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक साइड बार है ना, एक साइड बार है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंटेंट है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा फुटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कंटेंट है, एक इमेज है, तो मैं लिख देता हूँ, ये तुम्हारा क्या हो गया दोस्त, ये तुम्हारा हेडर हो गया है ना, ये तुम्हारा कंटेंट हो गया, और ये तुम्हारा फुटर हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, साइड बार हो गया, सही है, और यहाँ पे कोई इमेज ले लो, ये क्या लेआउट है, ठीक है, चीजों को तुमने प्लेस किया है, लेआउट, ठीक है, एक लेआउट है। अभी इसमें तो मुझे रो दिख नहीं रही, कॉलम दिख नहीं रही, मैंने कहा मैं दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो ना, टेंशन मत लो, बस ये तुम अभी भूल जाओ ग्रिड क्या होता है, भूल जाओ, मैंने सिंपल सा बोला, ये एक तुम्हारा लेआउट है, ठीक है, एक लेआउट है जिसके अंदर तुम्हारे कंटेंट प्लेस है, लाइक हेडर, साइड बार, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट, फुटर और इमेज। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, बस ये बता दो, अगर तुमने इतनी चीज समझ ली, आधा काम बन चुका है, ये तुम्हारा एक लेआउट है। अब इस लेआउट को तुम्हें बनाना है ग्रिड की मदद से, वो कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे, बस ये बताओ ये आया कि नहीं आया। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं ना, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, तुम यहां पर ना MDN सर्च करो, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब तुम एक चीज दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ग्रिड ही लिख लेते हैं ना, कुछ सर्च करके दिखाता हूं, ग्रिड ही लिख लेते हैं, ग्रिड सर्च किया, अब ये देखो, ये इनका कुछ हेडर सा दिख रहा है, ये इनका कुछ साइड बार सा दिख रहा है, और बीच में तुम्हारा कंटेंट है, यहां पे भी कुछ कंटेंट है ना, ये देखो, ये कंटेंट है, कुछ दिख रहा है कंटेंट, ये तुम्हारा साइड बार है, फुटर है, फुटर तो है नहीं इसमें, खैर हेडर है, बट तुम्हें एक चीज दिखी कि नहीं दिखी ये बता दो दोस्त, कि हाँ मैंने थोड़ा ना एक एग्जाम्पल सा देख लिया ग्रिड क्या होता है, बस ये देख लिया, उससे हम ये लेआउट बना सकते हैं, ऐसे ऐसे लेआउट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हेडर है, साइड बार है, कंटेंट है, और तुम्हारे वेबसाइट में जो भी एक्स वाई जेड चीजें, ठीक है, जो भी तुम्हें बनाना है तुम ग्रिड से बना सकते हो। क्या ये चीज मैं फ्लेक्स बॉक्स से बना सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हो। अच्छा फ्लेक्स बॉक्स क्यों नहीं यूज कर रहा, मेरे पास ग्रिड ही क्यों है? उसका रीजन दोस्त आगे दूंगा, अभी तुम थोड़ा सा समझो ना, थोड़ा सा समझो, उसका रीजन आगे दूंगा, बस तुमने ग्रिड देखा कि नहीं देखा ये बता दो, बस समझा कि नहीं समझा ये बता दो, समझ में आ गया ग्रिड क्या होती है? बताओ दोस्त ग्रिड क्या होती है? एक 2D लेआउट होता है, रोज एंड कॉलम होती है, ठीक है, तुम ज्यादा अच्छे से डिजाइन बना सकते हो, ठीक है, पूरा एक तुम लेआउट तैयार कर सकते हो अपनी वेबसाइट का एक ग्रिड में। ये ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टी है, क्या होती है, कैसे होती है, अभी देखने वाले हैं, क्या होती है, कैसे होती है, अभी देखने वाले हैं, है ना, ये सारी चीजें अभी देखने वाले हैं, बट तुमने ये लेआउट समझा कि नहीं समझा? अच्छा क्या मैं यही लेआउट बना सकता हूँ? मैंने कहा मल्टीपल लेआउट बना सकते हो, ये देखो सिंपल सा ये है। अच्छा हमने ना एक स्नीकर स्टोर बनाया था, ध्यान से सुनना, हमने प्रोजेक्ट नंबर आई थिंक 4 था एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद से 4 ही था, उसमें हमने कुछ ऐसा सा ना एक स्नीकर स्टोर क्रिएट किया था दोस्त, है ना दोस्त, ऐसा सा एक, अगर आपने देखा होगा तो बताना कि हाँ मुझे याद है। अरे भाई कॉपी हो जा भाई, ठीक है भाई ठीक है। तो हमने यार कुछ ऐसा सा स्नीकर स्टोर बनाया था ना, ऐसा सा कुछ स्नीकर स्टोर बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, रिमेम्बर कब होगा, जब देखा होगा, सही यार, ऐसा सा कुछ स्नीकर स्टोर बनाया था। तो मैं इसको क्या ग्रिड से बना सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मस्त करके बनेगा, ठीक है, मस्त करके बनेगा, और खुद ही खुद रेस्पॉन्सिव भी बन जाएगा, पता है तुम्हें इस बात का, खुद ही खुद रेस्पॉन्सिव भी बन जाएगा, ग्रिड से बनाओगे, एक दो प्रॉपर्टी ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी, खुद ही खुद रेस्पॉन्सिव बन जाएगा। हमने क्या किया था, फ्लेक्स बॉक्स में कुछ तो मीडिया क्वेरी लगाई थी वहां पे ना, कुछ तो मीडिया क्वेरी लगाई थी, चाहे वो एक दो लाइन की थी लेकिन लगाई थी, लेकिन यहाँ पे वो भी लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, खुद ही खुद बन जाएगा। अगर आपको अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है ग्रिड क्या है, ग्रिड क्या है दोस्त, ग्रिड क्या है, ये खिड़की समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो, ठीक है, ये जो भी ग्रिड है, जाली है, ठीक है, तू ऐसा नॉर्मली सर्च करोगे, ठीक है, ग्रिड, अब ये मुझे CSS की ग्रिड ना दे दे,
अब ये CSS की ग्रिड क्यों दे रहा है भाई? ग्रिड देखो, ये देखो जाली दिख रही है, ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये एक नॉर्मल है, ठीक है। बट CSS पे ग्रिड क्या होती है, CSS में ग्रिड क्या होती है, अब ध्यान से देखना दोस्त, है ना, ध्यान से देखना। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं तुम्हें एक चीज दिखाने की कोशिश कराता हूँ। सारा कॉपी नहीं हो रहा क्या? हो गया भाई, हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त, है ना, ध्यान से देखना। और क्या देखना ध्यान से दोस्त? अरे भाई इसको मूव कैसे कराओ? चलो तो यहीं लिख लेते हैं ना, उधर पहुंच गया कंटेंट। पर ध्यान से देखो तुम, है ना, तुम मेरे दोस्त हो, ध्यान से देखो। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड दे दो सर। तो यार ध्यान से देखो, मुझे हेडर चाहिए, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, इतने पार्ट में ना मैं ये हेडर कवर कर लूंगा, ये जो इतना पार्ट दिखा है ये हेडर कवर कर लूंगा, है ना। ये मेरा क्या हो गया? हेडर हो गया, है ना। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई चीज। तुम्हारा ये इतना पार्ट है ना, इस पार्ट में मैं क्या कवर कर लूंगा? ग्रिड, ग्रिड हमने डिवाइड की है, ये रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड की है, और ये पर्टिकुलर चीज क्या होती है, एक सेल ले लो, है ना। ये चीज तो तुम्हें पता है, ठीक है, ये चीज पता है, बहुत बेसिक सी चीज है। ये किसका? बॉक्स का सेल है, ठीक है, ग्रिड का एक सेल है। तो ये सेल सेल मिलके क्या, ये तुम्हारा एक कंटेंट बन जाएगा साइड बार का। ये चीज समझ में आई दोस्त? आई कि नहीं आई दोस्त, ये बता दो। अच्छा ठीक है, ये चीज भी मैंने समझ लिया है ना। अब ध्यान से देखो दोस्त, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, ये इतना स्पेस ले लो, ठीक है, इतना स्पेस ले लो, फॉर एग्जाम्पल इतना ले लो, है ना। ध्यान से देखना दोस्त, है ना, इतना स्पेस लिया और एक कलर ले लो और इसको बोल दो कॉन्टेंट वन, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं, एक ये ले लो, है ना, एक ये वाला ले लो और यहाँ पे बोल दो कंटेंट टू। तो अगर मैं इस, मतलब कुछ सेल्स ली मैंने, उन सेल्स को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके तुम्हारा एक क्या बना दिया, एक पूरा कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक तुमने क्या बना दिया, सेक्शन बना दिया, ऐसा समझो सेक्शन बना दिया जो कि हेडर है, ठीक है, एक हेडर बना दिया कुछ सेल्स लेके, ठीक है, उनको कॉलम वाइज और रो वाइज अरेंज करके एक साइड बार बना दिया, वैसे ही कंटेंट वन और कंटेंट टू बना दिया। अगर मैं इसको जर्नली ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसको अगर एकदम नॉर्मल सा ड्रॉ करूं, तो ध्यान से देखना दोस्त, कुछ ऐसा सा लगेगा, है ना, कुछ ऐसा सा लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैंने क्या बोला था, यहां पे हेडर है, ठीक है, यहां पे क्या है दोस्त, यहां पे साइड बार है, यहां पे कंटेंट वन है, यहां पे कंटेंट टू है। ये चीज आई कि नहीं आई समझ में? अब तुम्हारा कंफ्यूजन ये था ना कि जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाता पहले, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना। अगर तुम यहां तक आए हो, 13 मिनट तक वीडियो देख लिया, मैं बता रहा हूं इस वीडियो को पूरा देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। ग्रिड से दिक्कत, ग्रिड से रिलेटेड दिक्कत कोई भी नहीं होने वाली, बस ध्यान से देख लो दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्ट कर लो, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अभी जाएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाएंगे दोस्त, उसकी टेंशन मत लो, बट पहले थोड़ा सा समझो ना, हेडर साइड बार कंटेंट वन कंटेंट टू। मैंने बोला तुम्हें ये डिजाइन करो, है ना, ये डिजाइन करो थ्रू ग्रिड, मैंने बोला तुम्हें ये डिजाइन करना है थ्रू ग्रिड, तो तुम क्या करोगे यार? तुम देखो पहले ना, तुमने ऐसा ग्रिड बनाया, ठीक है, अभी कोडिंग की बात नहीं कर रहे दोस्त, कोडिंग की बात नहीं कर रहे, उसे भूल जाओ ना, कोडिंग की बात नहीं कर रहे उसको भूल जाओ। तो मैंने क्या बोला तुमसे, तुम ये चीज डिजाइन करो थ्रू ग्रिड। तो अगर तुमसे बोला जाए नॉर्मली, तो तुम पहले वो ग्रिड क्रिएट करोगे, है ना, कौन सी वाली ग्रिड दोस्त, ये वाली ग्रिड क्रिएट करोगे, है ना, ये ग्रिड क्रिएट करोगे और फिर इस ग्रिड में ऐसा कुछ फिल कर दोगे। अच्छा इतना सेक्शन मैंने हेडर को हेडर को दे दिया, ठीक है, इतना सेक्शन मैंने साइड बार को असाइन कर दिया, ठीक है, इतना कंटेंट वन, इतना कंटेंट टू को। ये चीज आई कि नहीं आई समझ में दोस्त? क्या इसको मैं फ्लैक्स बॉक्स से बना सकता था? बिल्कुल बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट हम यहाँ ग्रिड से बना रहे हैं। अच्छा क्यों बना रहे हैं? देखो क्यों का रीजन ये है, अभी जब मैं प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा ना, वो प्रॉपर्टीज तुम्हारी फ्लैक्स बॉक्स में नहीं मिलती है, वो प्रॉपर्टीज तुम्हारी ग्रिड में मिलती है, तो प्रॉपर्टीज से भी डिफरेंशिएट होती है तुम्हारी ग्रिड, ठीक है। और ग्रिड क्यों यूज करनी चाहिए, देखो कुछ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड, लेकिन तुम्हें दोनों चीज आनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी आएगा तो तुम्हें हो जाएगा काम ईजी, क्योंकि काफी टाइम ग्रिड तुम्हारी ईजी होती है, ठीक है, ग्रिड ईजी होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा कुछ बनाना है, भाई तू बजा ले पहले
हद हो गई यार। ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हें ऐसा एक गेम बनाना है बहुत भारी सा है, टिक टैक टो जो भी बोलते थे भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, काटे गोले का गेम, ठीक है, जो भी बोलते थे भाई, टिक टैक टो गेम, ठीक है। तुम्हें ये बनाना है, इसको तुम फ्लैक्स बॉक्स से बना सकते हो, बना सकते हो। ग्रिड से बना सकते हो, ग्रिड से भी बना सकते हो। इजी किससे होगा? इजी ग्रिड से होगा, ठीक है, इजी ग्रिड से होगा। वरना ये देखो, ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसको डिजाइन देखो, अभी मैं थोड़ा सा हटके बताता हूँ, थोड़ा हटके बताता हूँ। इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे दोस्त? इसको हम डिजाइन करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। ऐसा एक स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ऐसा स्क्वायर लेंगे, और ऐसा, अरे भाई, ऐसा स्क्वायर लेके इसको ऐसे से डिवाइड कर देंगे कुछ, है ना, ऐसे से डिवाइड कर देंगे। और हमारा क्या रहेगा? इसको रिमूव कर दो, है ना, किसको रिमूव कर दो दोस्त? ब्लैक कलर लेता हूँ, इसको रिमूव कर दो। देख रहे हो, चालाकी देख रहे हो तुम मेरी? मैंने ब्लैक कलर लिया और इसका ऐसे रिमूव कर दो। तो तुमने क्या लगाया होगा? बॉर्डर लेफ्ट का रिमूव कर दो, बॉर्डर राइट रिमूव कर दो। इस पर्टिकुलर, ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर एक डिव ली होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिव पे लगाई हमने प्रॉपर्टी, बॉर्डर वो लेफ्ट रिमूव कर दो और बॉर्डर बॉटम रिमूव कर दो। तो ये इतना स्पेस बन जाएगा। ये सारे बॉर्डर कैसे रिमूव करूंगा, सारी चीजें बता रखी है दोस्त, है ना, सारी चीजें बता रखी है। आया कि नहीं आया दोस्त समझ में, ये बता दो। अब ये पता है इजी क्यों पड़ेगा? अभी मैं आपको प्रॉपर्टी सिखाऊंगा दोस्त, तब जाके तुम्हें सारी चीजें हो रही होंगी। अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। ठीक है यार, आया कि नहीं आया समझ में? ग्रिड तुम्हारा एक लेआउट होता है, 2D लेआउट होता है, रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है, उन रोज एंड कॉलम से मिलके कुछ सेक्शन बनते हैं, जिनको तुम हेडर कह सकते हो, फुटर कह सकते हो, ठीक है, साइड बार कह सकते हो, तुम कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हो, जो मर्जी कहो तुम कह सकते हो। हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा था, ये तुम्हारी एक ग्रिड है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, लिंक्डइन पे, ये तुम्हारी एक ग्रिड है, नैव बार है, ठीक है, ये एक 1 2 3 4 5 करके है, ये ग्रिड है, ठीक है, ये ग्रिड है, तुम बना सकते हो, काफी सारे डिजाइन बना सकते हो। ये देखो चीट शीट भी है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्यों क्यों होती है, तो सारी चीजें देखने वाले हैं दोस्त, सारी चीजें देखने वाले हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी चीजें देखेंगे अच्छे से, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों होती है, काहे को होती है, ठीक है, सारी चीजें देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ग्रिड क्या होती है, ठीक है, रोज होती है, कॉलम्स होती है, लेआउट 2D में होता है, मजा आएगा, आगे मजा आने वाला है। अच्छा ऐसा हैडर, ये साइड बार, कंटेंट है, फुटर है, हाँ ठीक है, स्नीकर स्टोर बनाया था, ठीक है, हमने क्या बना रखा था दोस्त? स्नीकर स्टोर बनाया था, ठीक है, उसको मैं ग्रिड से बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, और मजा आ जाता है उसको ग्रिड से बनाने में, ठीक है, अगर बनाए बनाओगे तो तुम बना लोगे, अगर देखो तुम्हारे अंदर है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो तुम क्या करोगे दोस्त, इसके बाद जाना वहां फ्लैक्स बॉक्स की जगह ग्रिड को यूज कर देना, ठीक है, बस तुम्हें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, वहां फ्लैक्स बॉक्स की जगह ग्रिड को यूज कर देना। और अगर वहां पे देखो, मैं थोड़ा बता भी रहा हूँ, अगर वहां पे हमने एनएच चाइल्ड करके दी होगी प्रॉपर्टी, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्लास व्लास प्रोवाइड करा के दे देना। अगर हमने वहां पे क्लास दी है तो तुम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो यार सारी चीज, बस तुम्हें फ्लैक्स बॉक्स की जगह ग्रिड प्रोवाइड कराना है, ठीक है, 3 रो बनाने, 3 कॉलम बनाने हैं, मतलब कॉलम उसके अकॉर्डिंग ही बनाने जितना हमारा कॉन्टेंट है ना, तो वही चीज, तो ये सारी चीज हो गई है, ये सारी चीज हो गई है, ये सारी चीज, ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज थी, इसको छोड़ो। तुम ये बताओ, ये अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, ये डायग्राम समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा दोस्त, बताओ आया कि नहीं आया समझ में, ये बता दो। आगे बढ़े, 20 मिनट हमने इसको दे दिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 मिनट हमने इसको दे दिए हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मजा आने वाला है आगे। अब एकदम लाइव एग्जाम्पल देखेंगे हम ग्रिड के, कैसे कैसे क्या क्या काम करती है, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज और बताता हूँ जाने से पहले, सुनो, ये चीज थी, ठीक है, ये चीज थी। अब एक चीज होती है दोस्त, इसमें रो कितनी है, ठीक है, रो बताओ रो कितनी है, जल्दी से काउंट करो, जल्दी से काउंट करो, रो कितनी है, मैं भी काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5, 5 रो है, ठीक है, 5 रो है तुम्हारी। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, ठीक है, तुम्हारी रो कितनी है भाई, कुत्ते भौंकने लगे, रो कितनी है 5 और तुम्हारे कॉलम कितने हैं 6 दोस्त 6 6 6, क्या हो गया, हाँ बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे,
इसमें रो लाइंस कितनी है? आए रो लाइंस क्या होता है? सुनो, ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये 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 है, और एक लाइन ये है। कितनी रो लाइन बनी, कितनी रो लाइन बनी मेरे दोस्त, ये बता दो बस। मैंने कहा 6 रो लाइन बनी। हाँ, तो रो लाइन कितनी होती है? 6। अच्छा कॉलम लाइन बताओ, इसी हिसाब से कॉलम लाइन बताओ, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा गलत, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कॉलम लाइन बनी? 7 कॉलम लाइन बनी, ठीक है। अच्छा इनका क्या यूज होता है अभी देखेंगे, तो आपको कनेक्ट कर जाएगी चीज। अच्छा ये चीज थी, ठीक है, इतनी चीज आई कि नहीं आई समझ में दोस्त, ये बता दो। रो लाइन कॉलम लाइन, समझ में आ गया। अगर मैं तुमसे बोलूं एक कॉलम है, तो एक कॉलम को बिना के कितनी लाइन से बना होगा? वो दो लाइन से बना होगा ना। तो सिमिलरली हमारे पास 5 कॉलम है, तो हमने एक मतलब एक ऐड कर देना, ठीक है, एक ऐड कर देना, ठीक है, एक ऐड कर देना है बस, 1 2 3 4 5, एक ऐड कर दो 6, ठीक है, बस इतना सा है। और ये भी मत करो, तुम सिंपल सा गिन लो ना, रो लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, काम खत्म, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, 7 ये कॉलम लाइंस है। रो लाइन कॉलम लाइन समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें थी, है ना। तो हमने इतना कुछ कवर कर लिया है ना, इतना कुछ कवर कर लिया है, नाइस। इसको थोड़ा अलाइन कर लेते हैं ना, हाँ, तो हमने यार इतना कुछ कवर कर लिया है, और ये बहुत बेसिक सा था, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ग्रिड की तुम्हारी नींव रखी जा चुकी है, ग्रिड अच्छे से आने लगेगा अब आपको समझ में। अब मैं कोडिंग वाला पार्ट खोलता हूँ ना, कोडिंग वाला पार्ट खोलते हैं, काफी दिन हो गए हैं दोस्त, एक नया फोल्डर क्रिएट किए हुए, है ना, काफी दिन हो गए ना एक नया फोल्डर क्रिएट करते हुए, अच्छे से उसमें CSS फाइल लिखे, ये सारी चीजें। ये तो प्रोजेक्ट नंबर 6 था, और ये वर्जन आ चुका है, छोड़ो इसको। प्रोजेक्ट नंबर 6 हमने करा था, रेस्पॉन्सिव बनाया था, ठीक है, मीडियो क्वेरी वगैरह लगाई थी, तो काफी 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 क्रेजी प्रोजेक्ट था, होप सो आपको मजा आया होगा, है ना। आज एकदम न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 20, यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं वैसे यार, लेक्चर नंबर ये होना तो तुम्हारा 16 चाहिए, लेकिन हमने उन लेक्चर्स को भी काउंट किया है जिसमें हमने रेस्पॉन्सिवनेस ऐड कराई है, तो मैं यहाँ लेक्चर नंबर 20 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें इसमें कवर हो चुकी हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, इसमें हमने वो सारे कर लिए थे लेक्चर, तो लेक्चर नंबर 20 मान के चल रहे हैं। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें कन्फ्यूज होने की वाली क्या बात है। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं अपना, उसके अंदर हमने फाइल क्रिएट करनी है, जो कि होती है हमारी index.html, और एक और कर लेते हैं stylecss, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। स्टार आया, स्टार यहाँ नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। html में आपने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करा लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दो लेक्चर, क्या लिखा जा रहा है दोस्त, लेक्चर नंबर 20, ठीक है, और लिख दो ग्रिड, ऐसा 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 कुछ हमने लिख दिया है, सही है, ऐसा कुछ लिख दिया है। और क्या करना है, बस सिंपल सी चीज़ है, एक रैपर बना लो या कंटेनर बना लो, जो मन करे वो बना लो दोस्त, है ना, जो मन करे वो बना लो। यहाँ पे कोड थ्रेड लिख देते हैं, और यहाँ पे CSS दे देते हैं, ठीक है। CSS में शुरू की 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता होगी, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपको मार्जिन का नहीं पता, पैडिंग का नहीं पता, और ये तारा क्यों लगाया है मैंने इसका नहीं पता, तो भाई क्यों आए हो यहाँ तक, पहले अच्छे से देख के आओ ना भाई पीछे से। बॉक्स साइजिंग, वॉटर बॉक्स का नहीं पता, एक बार पीछे से दोस्त मेरे होके आओ, है ना, एक बार पीछे से होके आओ, मज़ा आ जाएगा। लिंक कर लेते हैं ना, लिंक कर लेते हैं, मैं भूलता नहीं हूँ, लिंक कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें सेटअप है एकदम, सारे फाइल वाइल सब एकदम मज़ेदार बन के हो गए रेडी, एक बार गो लाइव करते हैं दोस्त, है ना, एक बार गो लाइव करते हैं। कोड थ्रेड मस्त करके लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है, कोड थ्रेड मस्त करके लिखा हुआ आ चुका है। 2 मिनट के लिए करते हैं ऐसा, इसके अंदर डिप बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना ली इसके अंदर 6 डिप बना लिया ना, 6 डिप बना ली, और इसके अंदर 6 डिप बना के बॉक्स 1, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता हूँ, एक मिनट रुको, क्लास, थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी से ऑल्ट दबा के, क्लास, अ
अरे गड़बड़ कर दी। गड़बड़ तो नहीं करी, यहाँ भी ऐसा सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ भी ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ भी, और मस्त करके एकदम लिख देंगे। तो मल्टी कर्सर कैसे कर रहा हूँ मैं, मैंने कहा ओल्ट दबा के रखो, क्लिक कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा बॉक्स वन। ठीक है, अरे भाई हाँ सही यार, ये बॉक्स वन आ गई है। अब इसके अंदर क्लास देनी है, इसके अंदर क्लास देते हैं जो कॉमन रखेंगे, लाइक बॉक्स रख देते हैं ना, बॉक्स। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जो कि गलत कर दी है। ठीक है, यहाँ पे टू आएगा, जल्दी से जल्दी जल्दी से कर लो यार तुम, यार जल्दी से कर लो। थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव भी आएगा, ठीक है, सिक्स भी आएगा, फाइव सिक्स, मैं कहा फाइव दो सिक्स दो, ऊपर जाके फोर दे दो। ठीक है, एसएस आ गया, पर तुम्हारे ये डब्बे आ गए ना, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फाइव, क्या है ये, क्या है, अभी अभी दिखाएंगे ना क्या है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो, बहुत बेसिक चीज़ में समझ में आने वाली क्या बात है, पहली बात तो ये है। सही है, रैपर यहाँ पे आए, रैपर पे आए, रैपर को कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। ठीक है, रैपर को फॉर एग्जाम्पल हमने 100 VW दे दिया और हाइट दे दी है दोस्त 100 VH। सिंपल सी क्या चीज़ हुई, कोई चीज़ नहीं हुई। मैंने कहा अब चीज़ करते हैं, हमने BGC दिया इसको रेड, चीज़ हो गई, चीज़ हुई कि नहीं हुई ये बता दो। हो गई, आया, आ गया मज़ा, ठीक है ना, आ गया हमको मज़ा, सही है। अच्छा एक काम कर ले क्या, एक काम कर ले क्या, मुझे एक चीज़ दिखाना है आपको, तो एक काम कर लेते हैं, है ना, एक काम कर लेते हैं, बॉडी को यूज़ कर लेते हैं, और बॉडी को यूज़ करने के बाद उसको ये सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, है ना, एक मिनट के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त। अच्छा मैंने बॉडी को क्यों दिया, अभी देखो रीज़न देता हूँ, ये क्या आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये कॉन्टेंट के हिसाब से ले लिया उसने, हम विड्थ दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 70%, है ना भाई, क्या हो गया आज डॉगी, इसको ये हो गया 50%। तो ये कुछ ऐसा आ गया ना, कुछ ऐसा आ गया, और ये तुम्हें पता है अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी होगी उतना ऐसा चलेगा। अच्छा मैंने यही क्यों दिया, है ना, यही क्यों दिया, तो यार तुम एक नया टैग भी बना सकते हो। तो फिर हमने रैपर को कुछ विड्थ दे दो, है ना, यहाँ पे तुमने ये दिया है। ठीक है, अभी क्या आएगा, ऐसा सा आएगा, काम वही कर रहा है, काम वही कर रहा है, ठीक है, काम वही कर रहा है, लेकिन दे दो, है ना, दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हाइट में फर्क आ गया, हाइट में फर्क आ गया, तो ऐसे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वरना यहाँ पे तुम हार्ड कोडेड वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, हार्ड वैल्यू भी दे सकते हो, लाइक पिक्सल वगैरह दे सकते थे, जिनको एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, वो चीज़ दे सकते थे, बट ऐसे भी दे दो उसको, कुछ दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेड दे दिया, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, इतना अभी तक हमने बहुत बेसिक सा करा है। अब करते हैं मेन चीज़ स्टार्ट। मैंने कहा डिस्प्ले ना, ब्लॉक यूज़ कर लिया, फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, इनलाइन फ्लैक्स, ये सारी। अब आते हैं ग्रिड पे, ग्रिड देती क्या हुआ, कुछ तो हुआ, देखो दोस्त कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, अरे ये क्या हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या हुआ, मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, यहाँ से ग्रिड गया, देखो यहाँ पे, देखो कुछ आएगा, यहाँ पे ग्रिड गया, ग्रिड आ गया, क्लिक करोगे कुछ दिखेगा, है ना, कुछ दिखेगा दोस्त, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7, ये क्या है दोस्त, ये क्या है, इसको जूम कर सकता हूँ, जूम कंटेंट को कर सकता हूँ, उसको नहीं, तो ये क्या है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, रो 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 लाइंस, है ना, ये क्या है तुम्हारी रो लाइंस, आया समझ में, आया समझ में, आया आया, 1 और 2, 2 दिख रहा है यहाँ पे, -1 क्यों आ रहा है, अभी बताऊंगा इसको रीजन, बट ये देखो ये 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है दोस्त, 2, 1 2, तो एक कॉलम है, 6 रोज हैं, ठीक है, 6 बॉक्स हैं, तो 6 रोज हैं, लाइन कितनी है, 6 में 1 प्लस कर दो, 7 तुम्हारी रो लाइन है, 2 तुम्हारे क्या है, कॉलम लाइन है। ठीक है, आया समझ में, और ये चीज तुम कहां से एनेबल कर सकते हो, देखो यहाँ लेआउट में जाना दोस्त, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, लेआउट में जाओगे, यहाँ पे नंबर ऑफ, शो नंबर ऑफ लाइन हाइड हो जाएंगी, शो नंबर ऑफ लाइन, लाइन नेम्स दिए नहीं है, ठीक है, कैसे देंगे, अभी अभी रुक जाओ ना, अभी बताएंगे कैसे देंगे, ये वाली चीज़ भी वो खुद आ जाएगा। सो ट्रैक साइज, यहाँ पे देखो ट्रैक का साइज आएगा, ट्रैक क्या बोलते हैं अभी बताऊंगा, बेसिकली ट्रैक सिंपल सी बता देता हूँ, भागने वाला ट्रैक देगा, रनिंग वाला, मैराथन वाला,
ये वही है, ये एक तुम्हारा ट्रैक है, ठीक है, ये पूरा एक ट्रैक है, तो वही है, ठीक है, वही है। इसको हाइड करो। शो एरिया नेम्स, ये क्या होता है अभी बताएंगे। एक्सटेंडेड ग्रिड लाइंस, एक्सटेंड क्या हो गया बेसिकली, ये देखो हट गया क्या भाई। अरे एक्सटेंडेड का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्त, ये ना तुम्हारा ये इतना कवर कर लिया और सारी कवर कर ली, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, तुम्हारा व्यू पोर्ट सारा कवर हो जाएगा। ऐसे नहीं आती, ऐसे आएंगी, है ना, व्यू पोर्ट तुम्हारा कवर हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा है? ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो, जो कि हम कर देंगे। यहाँ से तुम अपनी लाइनों का कलर चेंज कर सकते हो, काफ़ी तुम्हारे पास हैं ऑप्शन, अब ध्यान से अच्छे से देख सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक सी चीज। अच्छा, इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो रही है बताओ दोस्त, मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रही है, जल्दी से बता दो क्या कन्फ्यूज़न हो रही है। 1, 2, 3, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, है ना। यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की थी। रो लाइन क्या होती है ना, रो कॉलम लाइन क्या होती है, कॉलम रो, तो आपको ऑलरेडी पता है ना। ये चीज़ आई कि नहीं आई समझ में, बता दो। अच्छा, -1 का क्या पंगा है, मैंने ये ध्यान से देखो दोस्त, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। ये चीज़ आई समझ में। अगर मैं इसको उल्टा करूँगा, ठीक है, तो ये -6 है, ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है, -2 है, -1 है। नीचे -1 आ रही है, नीचे -1 आ रही है, बेसिकली इसी को तुम कॉपी करके यहाँ कर सकते हो ना। ऐसा अब तुम ये बोल, इस बात पे मुझसे लड़ोगे, ये तुम -1 यहाँ लिख के आ रहा है, तुमने यहाँ लिख के दिखाया है, यहाँ भी लिख सकते हो दोस्त, यहाँ भी लिख सकते हो ना, ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हो, बट ये निगेटिव है और अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसका अपोजिट ये होगा, वही चीज़ देखो, 1, 2, -1 यहाँ आया ना, -1 यहाँ आया ना, तो उल्टा है, बस इसका उल्टा कर दिया, जो कि -1 में हो गया, बस इतना इतना है। ये चीज़ आई कि नहीं आई समझ में दोस्त, ये बता दो। आ गई, आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, आगे ही बढ़ते हैं। आओ आओ गुरु, आओ इधर आओ तुम, है ना। एक काम करो, तुमने बॉक्स करा था, उसके एक बीजी सी दे दो, ठीक है, पर्पल दे दो या जो भी मन करे, थोड़ा लाइट सा कलर दे दो, जो कि लाल कलर के पीछे अच्छे से दिख पाए। ये क्या हुआ दोस्त, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस, मैंने कहा व्हाट इज दिस, बताते हैं व्हाट इज दिस। इसकी ना एक विड्थ दो, ठीक है, दिस इज दिस, ठीक है, ये क्या हुआ। अब तुमने इसकी विड्थ ना थोड़ी पिचकास ही दी है ना, बड़ा भाई, तो उसने अभी क्या लिया था, अपने आप को स्ट्रेच कर रखा था, बेसिकली जितना वो चीज होगा उसने अपने आप को, अपने उसको एकदम स्ट्रेच कर रखा था। अब तुम्हें फर्क समझ में आया, अब फर्क समझ में आया, इसको हटा दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाल इसके पीछे ही है, ठीक है, रेड इसके कलर पीछे ही है। चलो अब मुझे ग्रिड बनाना सिखाओ, ग्रिड कैसे बनाऊंगा मैं, है ना। ये तो तुमने इतनी बात बता दी, ग्रिड आ गई, ठीक है, ये अच्छा दिख भी रहा है, कुछ ऑप्शंस आ गए, मान लिया बात तुम्हारी, है ना, चलो मान लिया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इतनी चीज तो सही है, लेकिन बाकी चीजें भी तो करके दिखाओ। अच्छा ठीक है, ओके सर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, अब सारी प्रॉपर्टीज होंगी, उनके थ्रू हम ग्रिड समझ लेंगे, दैट्स इट दोस्त, है ना। ग्रिड लिखो, ग्रिड लिखते ही कितनी प्रॉपर्टीज दिख रही है दोस्त, बताओ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड एरिया, रो, ये वो, एंड, स्टार्ट, है ना, ये क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तुम्हें ग्रिड टेम्पलेट रो पे क्लिक करना है, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रो पे क्लिक करोगे, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे तुमने कुछ वैल्यू दी, फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल, है ना, एकदम ठंडा दिमाग रख के 100 पिक्सल, ये क्या हुआ दोस्त, ये क्या हुआ, ऐसा था, है ना, ऐसा था, ऐसा हो गया 100 पिक्सल आके। इसको कंटेंट जूम करने का, या क्लिक करो, है ना, ये क्या हुआ दोस्त, है ना, ये क्या हुआ, ये चीज देखने वाली है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, अच्छा ओके, दूसरी गायब हो गई क्या, आ गई, ओके,
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 30, ओके ठीक है आ गया समझ में। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ दोस्त कि यहाँ पे अगर मैं 200 पिक्सल लिखता हूँ तो ये मेरी क्या है, ध्यान से तो ध्यान से, ये मेरी फर्स्ट रो है ना। मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो तुम्हारा बॉक्स नंबर वन गायब दोस्त, बॉक्स नंबर वन गायब। ठीक है यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो वो 10 ले लेगा। ठीक है बॉक्स नंबर वन गायब। इनिशियली ये सारे एकदम डिफॉल्ट साइज में डिवाइडेड थे, डिफॉल्ट साइज में डिवाइडेड थे सारे के सारे। ये चीज आई कि नहीं आई दोस्त, आप मुझे ये बता दो बस, बोलो हाँ आ गई है ना। सारे के सारे एक डिफॉल्ट साइज में डिवाइडेड थे जिनकी हाइट और विड्थ एकदम यूनिफॉर्म है। बट जैसे तुमने ये किया तो तुमने यहाँ पे ये कर दिया कि 10 पिक्सल ले लो। देखो दोस्त 10 पिक्सल ले लो, पहला वाला रो, पहले वाली रो 10 पिक्सल ले ले, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल तुम इसको बोल दो 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल ले लेगी पहली वाली रो। ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा तुम बता, ये कह रहे हो कि तुमने ये लगाया ग्रिड टेम्पलेट रोज, अच्छा रोज लिखी है। मैंने कहा हाँ, अभी हमने मल्टीपल वैल्यूज दी थी ना तो वो उसके लिए है ना दोस्त। तो ग्रिड टेम्पलेट रोज, तो यहाँ पे तुमने 50 पिक्सल देके अपनी पहली वाली रो की वैल्यू सेट कर दी है। बाकी रो का क्या, बाकी रो का क्या, 2 मिनट रुको, बाकी रो का भी करते हैं हल है ना। पहले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देख लेते हैं, इसको तुम GTC भी करके लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है या तुमको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं अच्छे से कैसे कैसे शॉर्टकट लाए जाते हैं। सही यार, तो ग्रिड टेम्पलेट रो में अभी कितने कॉलम दिख रहा है, एक कॉलम दिख रहा है। अच्छा एक कॉलम दिख रहा है, इसका मैं 20 पिक्सल कर दूं। अच्छा ठीक है सो करो है ना, थोड़ा खेलते हैं। ठीक है अच्छा एक कॉलम और अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ, एक कॉलम और ऐड कर दूं, ओके ओके, ये क्या हो रहा है बोलो, ये क्या हो रहा है दोस्त है ना, ये क्या हो रहा है बोलो बोलो, ये क्या हो रहा है। इसको इसको इसके अंदर ले आ देता हूँ है ना। नहीं ये क्या हो रहा है, ये चीज आई कि नहीं आई समझ में, थोड़ा डाइजेस्ट करो इस चीज को, डाइजेस्ट करो। नहीं कर पा रहे हो, मैं कराता हूँ ठीक है, मैं पचाता हूँ तुम्हें अभी तक क्या पढ़ाया है। सिंपल सा अभी तक का दोस्त देखो, फंडा इतना सा है, तुमने ये चीज बनाई थी, अभी तक तुमने कोई कॉलम नहीं दे रखा था, जो है कॉलम वो डिफॉल्ट है ठीक है, जो ग्रिड के थ्रू क्रिएट हुआ था वो डिफॉल्ट है। और वो किसका साइज है, वो तुम्हारी जो रैपर है उसने इतने परसेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अपने आप को एडजस्ट कर लिया था और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 50 है हमारे पास, 60 है, तो 6/50%, 50% जितना भी होगा उसने एक एक तुम्हारी हाइट ले ली थी और विड्थ तुम्हारी 70% ले ही ली है ना, 70% ले ली है, बहुत बेसिक चीज है। और डिफॉल्ट कॉलम कितना है, 1 है, डिफॉल्ट कॉलम 1 है, तुम्हें कॉलम चाहिए 2, तो अभी देखो डिफॉल्ट 1 है और डिफॉल्ट कॉलम का 1 70 पिक्सल है ना, नहीं ये 50 पिक्सल है हाइट, नहीं हाँ विड्थ है ना, हाँ ये तो विड्थ उसकी इतनी है कॉलम है ना। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करने के बाद 100 पिक्सल उसकी अब देखो विड्थ हो गई है, ठीक है 100 पिक्सल विड्थ हो गई है। अच्छा मैं यहाँ पे 1000 मतलब 500 कर दूँ, 500 इतना होता है, अभी तो एक कॉलम था, अब वैसे ही मैं एक 200 पिक्सल का दूसरा कॉलम बना दूं। देखो 500 ये हुआ, अब तुमने एक कॉलम और बना दिया, अब वो जो एलिमेंट होंगे वो उठ के यहां आ जाएंगे दोस्त, वो उठ के यहां आ जाएंगे। आई की नहीं आई समझ में चीज, आई की नहीं आई समझ में ये बता दो। अगर तुम इसको ऐसा कर दोगे तो ये देखो तुम थोड़ी यूनिफॉर्म चीजें देख सकते हो, अच्छा इसका ये ज्यादा क्यों हो रहा है, ये कम क्यों हो रहा है, वो दोस्त इसकी वजह से है। यहाँ 200 कर दो है ना, यहाँ 200 कर दो, चीजें हो जाएंगी। आया कि नहीं आया समझ में, है ना, आगे समझ में दोस्त, आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। डन करें इस चीज को, लेक्चर को खत्म करें, अभी स्टार्टिंग है दोस्त, अभी स्टार्टिंग है लेक्चर की है ना। अच्छा ठीक है, नहीं तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो, आओ समझाता हूँ थोड़ा। अच्छा तुम्हें तुम्हें डाइजेस्ट हो गई चीज़ें, बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कराता हूँ। देखो देखो मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रिड ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रो। देखो यहाँ पे तुम जितनी वैल्यू दोगे वो एक रो को डिफाइन करेगा, ये तुम्हारी R1 मतलब रो फर्स्ट, ये तुम्हारी रो टू, ये तुम्हारी
रो थ्री, और ऐसे करके चली जाएंगी तुम्हारी कहाँ तक, डॉट 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 रो एन तक, जितनी भी तुम्हें चाहिए। सेम चीज किसके साथ हो रही होगी दोस्त, सेम चीज तुम्हारी हो रही होगी कॉलम के साथ, है ना, ऐसे 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 दोगे और सेम चीज तुम्हारी कॉलम के साथ हो रही है, कॉलम वन, कॉलम टू, सी थ्री और सी एन, है ना, ऐसे काम बन रहा होगा। ये चीज आई कि नहीं आई समझ में? आ गया समझ में? अगर मैं यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे ना मैं अगर ये कर एक चीज कर देता, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम है, कितने कॉलम है, मतलब कितनी आइटम है, एक दो तीन चार पाँच छः, मैं यहाँ पे ना देखो छः लिखता हूँ, 30 40 40 पिक्सल, ये देखो ये सब एक ही उसमें आ गए, एक ही उसमें आ गए कि नहीं आए दोस्ती बताओ, एक ही जगह में आ गए। और रो कितनी बन गई तुम्हारी, रो सिर्फ एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो हो गई अब, ठीक है। डिफॉल्ट देखो ये कितना था, डिफॉल्ट ये तुम्हारी कितनी रो थी, 6 रो थी, अब एक रो हो गई है क्योंकि आपने सबको कॉलम में है, एक एक जो एक एक एलिमेंट है उसको कॉलम में फिट कर दिया है। इतना सा है दोस्त, इतना सा है, अगर तुम यहां पे इसकी अप करोगे ना, अब मजा आएगा। देखो आगे सी समझ में? समझो समझो, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो समझो दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा इसके साथ खेलना है ना, थोड़ा सा खेलना, मजा आएगा। ये चीजें देखो तुमने 40 40 में, तो ये उठ के यहाँ आ गया, 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 ये सारी चीजें हो रही है ना, ये सारी चीजें हो रही है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, बेसिकली ये देखो अब जो तुम्हारा रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया और तुम्हारी रो सिर्फ एक रह गई और कॉलम जितने तुम्हारे रो थे उतने कॉलम में आ चुके हैं। ये चीज आई समझ में दोस्त, आई कि नहीं आई ये बता दो, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार एक चीज मैं हाथों सिखा देता हूँ, ये तुम बार बार कर रहे हो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसको 40 बार, अगर मेरे पास 20 रो हैं तो तुम 40 40 40 40, भाई ये क्या बात होती है ना, ये क्या बात होती है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही होती है लेकिन ये क्या बात होती है, तुम्हारे पास एक फंक्शन होता है रिपीट, ठीक है, रिपीट, तुम क्या रिपीट करना चाहते हो और कितनी बार करना चाहते हो, पहला आता है कितनी बार करना चाहते हो, मैंने कहा इसको ना मैं 6 बार करना चाहता हूँ, अच्छा और कैसे करना चाहते हो, मैंने कहा 30 पिक्सल दे दो हर किसी को, पिचक गया ऑब्वियसली पिचक जाएगा, 60 दूंगा इतना, 90 देते हैं, हाँ तो 90 दिया तो इतना इतना हो गया। ये चीज आई कि नहीं आई समझ में? ये चीज इक्विवेलेंट है किसके यार, ये चीज ही तुम्हारी इक्विवेलेंट है, ये चीज तुम्हारी इस चीज के इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये चीज तुम्हारी दोनों सेम है बट यहाँ पे 6 बार है। अब ये देखो बिल्कुल सेम चीज है दोनों, बिल्कुल सेम चीज है दोनों, कंफ्यूज नहीं होना, बस तुमने क्या किया ये 6 बार तुमने लिखा, एक रिपीट फंक्शन लगाओ, रिपीट के अंदर पहली वैल्यू दो, पहला पैरामीटर, ठीक है, दो कि तुम्हें कितनी बार उस चीज को रिपीट कराना है, अच्छा उस चीज को किसको, मैंने कहा इसको कितनी बार रिपीट कराना है, बस इसको हटा देते हैं, ठीक है, समझदार बनेंगे अच्छे से करेंगे। चलो जी आ गई ये चीज समझ में, बिल्कुल मस्त करके आ गई है, ठीक है। अब तुमने ना यहाँ पे बोला मुझे ना यहाँ भी ऐसा कुछ लगाते हैं ना रिपीट, मुझे 5 रो दे दो या 6 रो दे दो, ठीक है, और उसकी विड्थ दे दो, ठीक है, 1 FR, अच्छा ठीक है, ये 1 FR क्या हो गया, 1 FR, ओके आई थिंक दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्या हमने ऐसा ही कुछ है क्या, ये निशांत अभी आप ऐसा ही कुछ बता रहे थे क्या, जो तुमने ये बताया था ये ऐसे ऐसे हाईलाइट करके दिखाया था हेडर, वो ऐसा ही कुछ है क्या, हाँ है ना, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, हाँ, बट ये 1 FR का मतलब क्या होता है दोस्त, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 8 लिख दूं फर्क ही नहीं पड़ रहा, 1 लिख दूं फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब क्या है ना दोस्त, मतलब क्या है ये बता दो, यहाँ पे 1 FR का मतलब क्या है, ठीक है, अभी हमने पिक्सल देखा, सारी चीज देखी, अगर यहाँ पे मैं लिख दू 100%, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दू मैं 10%, ये क्या हो रहा है, ठीक है, परसेंट भी समझ में आती है ना, परसेंट भी समझ में आती है, ये किसके परसेंट ले रहा होगा, यहाँ से कुछ ले रहा होगा, यहाँ से, है ना, लेकिन 8 FR और ये 1 FR का क्या सीन है, FR एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, आओ आओ दोस्त आओ समझाता हूँ।
एक हमने नई यूनिट देखी FR, जिसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से दोस्त, है ना, तुम्हारी विड्थ कितनी है इस पूरे उसकी, ध्यान से सुनो दोस्त, ध्यान से, 700 लिए नहीं 70% लिए है ना, या फिर एक एग्जांपल समझ लेते हैं ना, 70% लिए, फॉर एग्जांपल हमने इसकी विड्थ ली है 500 पिक्सल यहां से लेके यहां तक, तुम्हारे पास कॉलम कितने हैं दोस्त, तुम्हारे पास कॉलम है 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, चलो जी कॉलम 6 है। तुमने क्या किया, पहला रिपीट फंक्शन लगाया है ना दोस्त, रिपीट फंक्शन लगाया, और रिपीट फंक्शन लगाते ही तुमने बोला सर सुनो, सर 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 इधर सुनो, इस चीज को रिपीट कर दो 6 बार, है ना, और 6 बार रिपीट करने के बाद 1 FR दे दो। अब ये 1 FR क्या है बेसिकली दोस्त, बेसिकली 1 FR सिर्फ इतना है, तुम्हारी 6 को, ठीक है, 6 को डिवाइड करेगा ये 500 से, ठीक है, 500 डिवाइड बाई 6 होगा, जो भी आएगा वो एक कॉलम को विड्थ तुम्हारी दे दी जाएगी। ठीक है, एक कॉलम को वो विड्थ दे जाएगी। अच्छा, मैंने 8 FR लिखा, 8 FR लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 FR लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस तुमने यहाँ पे 1 FR लिख के ये चीज तुम्हारी ऐसे इक्वल स्पेस में हो गया, पूरा उसने यहां से लेके यहां तक ले लिया, पूरा यहां से लेके यहां तक ले लिया और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जितना भी डिवाइड करके आएगा। ठीक है, मेरी मैथ भाई कमजोर है, मुझे नहीं पता कितना आएगा। ठीक है, चलो ये चीज आई कि नहीं आई समझ में, आ गई, चलो जी आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ जादू से, है ना, एक चीज जादू से दिखाता हूँ, ये देखो, इसको हटाते हैं थोड़ी देर, इसको कमेंट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। अब ध्यान से देखना दोस्त, है ना, ध्यान से देखना, 70% तो है ना, 70% तो हमारे पास ब्लॉक 6 हैं, ब्लॉक 6 हैं, और एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, ब्लॉक 7 कर लेते हैं, एक काम करो ना, ब्लॉक 7 क्यों कर रहे हो, इसको 60% कर दो। चलो जी स्टार्ट करते हैं, ऐसा सा दिख रहा है ना, ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है, कलर भी चेंज हो गया क्या यार, कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉलम दो है ना दोस्त, कॉलम दो 1 FR, कोई दिक्कत आई नहीं आई, यहाँ पे दो 2 FR, क्या हुआ ये, क्या हुआ, तुम्हारा 60 है, ठीक है, 60 का आधा मिल जाएगा इधर, ठीक है, देखो 2 FR बेसिकली 1 FR और 2 FR ये क्या है, ये खुद समझो दोस्त, थोड़ा समझो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 60 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट इधर दे दो उस फ्रैक्शन, ठीक है, 3 फ्रैक्शन में डिवाइड किया है, एक पार्ट इधर दे दो, एक पार्ट इधर दे दो, बेसिकली तुमने इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करके एक हिस्सा यहाँ दे दो, उसके 2 हिस्से यहाँ दे दो, इतना सा है दोस्त, इतना सा है। अगर मैं यहाँ पे ना 3 FR लिख दूँ तो क्या होएगा, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा 10% है, ये तुम्हारा 20% है, ये तुम्हारा 30% है, और तुम 10, 20, 30 को जोड़ोगे तुम्हारा बन जाएगा ये 60%। आया कि नहीं आया समझ में ये बताओ दोस्त, आया कि नहीं आया समझ में ये बताओ। अच्छा मैं एक और देना चाहता हूँ, मैं दे दो दोस्त, क्या दिक्कत है, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ना, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 4 FR, तो 4 कॉलम तो बनेंगे, 5 बन गए क्या, हाँ 5 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, ये बेसिकली कॉलम को डिनोट कर रहा है। मैंने यहाँ क्या बताया था तुम्हें दोस्त, यहाँ क्या बताया था, ये तुम्हारा कॉलम है, जितने दोगे तुम उतने कॉलम आ जाएंगे, तो 5 कॉलम आ गए है ना दोस्त, 5 कॉलम आ चुके हैं। देन तुम्हारे पास क्या आया, एक डब्बा बचा है, इसके लिए भी तुम दे सकते हो दया खा के, बट ठीक है नहीं देंगे, बट तुम ये बताओ तुम्हें FR का सीन समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ों को डिवाइड करना है, चीज़ों को डिवाइड करना है, बस इतना सा है। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको ही ले आते हैं। अरे भाई ये चीज़ मस्त लग रही है, ठीक है, ये चीज़ मस्त लग रही है, और एकदम मस्त लग रही है ना, यही चीज़ हमने यहाँ करी है, तभी तुम्हारा ये चीज़ दिखी है ना, तभी तुम्हें ये सारी चीज़ दिखी है, वरना यहाँ पे देखो तुम लिखो 3 रोज आ जाएंगी, ठीक है, 3 रोज आ जाएंगी, 4 रो, अरे भाई 3 रो आएंगी और 4 कॉलम लाइन, 1 2 3 4, तुम्हारी रो लाइन, सॉरी रो लाइन में कन्फ्यूज आते हैं, रो लाइन, और ये तुम्हारी कितनी आएंगी, 3 रोज आएंगी, आया समझ में। लेकिन हमें वाली मैट्रिक्स अच्छी लग रही थी ना, वाली मैट्रिक्स अच्छी लग रही थी, इसको 7 कर दो चाहे,
तुम देख सकते हो अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, ये तुम्हें होप तो समझ में आ गया होगा। अच्छा रिपीट, कन्फ्यूज नहीं हो रहा रिपीट क्या हो रहा है, बेसिकली इसी चीज़ को हम ऐसा लिख रहे हैं ना, इसी चीज़ को हम ऐसा लिख रहे हैं बस, इतना सा है ना, इतना सा दोस्त, कन्फ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत बेसिक सी चीज़ें समझाई हैं ठीक है, और 50 मिनट की वीडियो बन चुकी है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ दोस्त आई कि नहीं आई समझ में ये बता दो, है ना, ये चीज़ आई कि नहीं आई समझ में ये बता दो। आ गई है, आ गई है, ठीक है, ये चीज़ आ गई है मेरे दोस्त को समझ में, अब आगे की चीज़ समझाई जाए, है ना, आगे की चीज़ समझाई जाए। अब आगे की चीज़ समझानी है तो ग्रिड लिखो, ठीक है, ये चीज़ बता दिया, एरिया क्या होता है, ठीक है, रुको बताता हूँ ये क्या होता है, ऑटो रो ऑटो फ्लो है ना, और ऑटो कॉलम भी होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रो स्टार्ट रो एंड क्या होता है, बताते हैं, बताते हैं ना, बताते हैं। अब आओ तुम दोस्त बॉक्स वन में, बॉक्स वन में आए, यहाँ पे लिख दो जल्दी से ग्रिड, ठीक है, ग्रिड रो स्टार्ट वन से करो, है ना, ग्रिड देखते रहो मैं क्या लिख रहा हूँ ना, रो एंड थ्री पे कर दो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट वन, ग्रिड कॉलम एंड फोर, लेट्स सी क्या होता है, ये क्या हुआ दोस्त, ये क्या हुआ है ना, ये क्या हुआ, नहीं ये क्या हो गया है ना, इसको इसको मैं ऐसा करता हूं, नॉर्मल करता हूं, व्हाट इज दिस, ये एक्सपेंड कैसे हो गया, एक काम करते हैं जल्दी से, तुम्हें थोड़ा सा ये पता है ना दोस्त, ये पता है ना, पता है ना, पता है ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, है ना, पता है ना, तुम अच्छे बच्चे हो, पता है तुमको ये सारी चीज है ना, बट ये चीज क्या कर दी तुमने दोस्ती, ये सारी चीज, इतनी सारी चार प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी जो कि मेरे सर के ऊपर से चली गई, तुमने करा क्या है, तुमने करा क्या है, तो देखो ध्यान से देखो दोस्त, है ना, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैंने एक को एक्सप्लेन कर दिया बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस एक को एक्सप्लेन करना है बाकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी समझ में, ठीक है, तो दिक्कत मत लो दोस्त, है ना, दिक्कत मत लो, अपन है ना, है ना, अपन है ना, रुको चलो जी, चलो समझते हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं मस्त करके, ओके जी, ओके ओके जी, ओके ठीक है, इसको समझा दो अच्छे से, मैंने कहा मैट्रिक्स और लिया ऊपर से, ठीक है, मैट्रिक्स बोल दो, ग्रिड, एक ग्रिड का स्ट्रक्चर उठा लाएं, कॉपी कर लिया, नीचे आओ जल्दी से, चलो चलो चलो, इसकी साइड में पेस्ट करो, दिख रहा है तुम्हें दोस्त, दिख रहा है यार, लाइफ में कितना मजा आएगा ना तुम लोगों को पढ़ाने में, लाइफ में तुम बताओगे भी तुम्हारे डाउट्स क्या हैं, यहाँ तो मैं एकदम ऐसे, चलो कोई नहीं, लाइव भी देखते हैं, अरे लाइव तो हो जाएगा यार, तुम सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, तुम यार तुम गंदे हो, मैंने बोला है डिस्कॉर्ड का बताओ बनाऊं कुछ, है ना, लाइव डाउट वाउट करा करेंगे वहाँ, मजे ले करेंगे एकदम मस्त करके, ठीक है, बातचीत करा करेंगे, डाउट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन हाँ पढ़ने वाले, ठीक है, सीरियस एकदम थोड़ा अच्छे से, चलो ग्रिड रो स्टार्ट वन मतलब क्या है, अभी तक हमारे देखो ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, एक बार समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, सर देती है ध्यान से देखोगे तो, नहीं देखोगे तो सर के ऊपर से भी चला जाएगा, तुम्हारे पास कितने कॉलम थे, 6 कॉलम थे है ना, 6 कॉलम थे, पहला कॉलम मतलब 1 2 3 4 5 6 ही मान लो, है ना, ये सिचुएशन थी, तो ये सिचुएशन थी, अब ध्यान से सुनो, तुमने बोला ग्रिड रो स्टार्ट वन, इसका मतलब बताओ दोस्त, जो तुम्हारी ग्रिड है, ठीक है, अब इस हम देखो बॉक्स वन के अंदर आ चुके हैं, पहले तो ये नोटिस करो, तो बॉक्स वन कौन सा है, ये वाला बॉक्स है ना तुम्हारा, ये वाला बॉक्स है, बॉक्स नंबर वन, ठीक है, ये बॉक्स नंबर वन तुम्हारा ऐसे कनेक्ट है ना, इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, चलो उसके अंदर हम प्रॉपर्टी देना स्टार्ट है, जो तुम्हारा ग्रिड बॉक्स नंबर वन है, ठीक है, ये सेल है, रोज स्टार्ट करो वन से, बेसिकली ये वन है, यहां से स्टार्ट करना दोस्त, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ध्यान से कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार ध्यान से सुन लोगे इसके बाद कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, वन से स्टार्ट करो, रो को एंड कर दो 3 पे, यहां पे एंड कर दो, तो ये तो मुझे ये मिल गया है ना, ये चीज ये मिल गई, खत्म कहां करूं इसे, ठीक है, खत्म कहां करूं इसे,
ठीक है, जहां भी चलेगा ये पूरा ऐसे ऐसे चलेगा, है ना, ये तो अभी तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कॉलम स्टार्ट वन से करो, बेसिकली कॉलम भी तुमने, ये तुम्हारा वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, वो सेवन था हमने लिख रखा था, है ना। देखो ध्यान ध्यान से देखो दोस्त, है ना, ध्यान से देखो यार, कटन आ रहा हो तुम्हारा स्क्रीन पे ये चीज़, बट दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, होप सो दिख रहा हो, वरना मैं एडिटिंग में कर दूंगा तुम्हें, सब दिखेगा मस्त करके। कॉलम स्टार्ट वन से करो, कॉलम मेरा वन ये रहा, ठीक है, एंड कर दो फोर पे, फोर ये रहा, यहाँ पे एंड कर दो, तो तुम्हारा कॉलम कुछ ऐसा सा हो जाएगा दोस्त, है ना, टेंशन की तो बात ही नहीं है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का तुम्हारा कॉलम नंबर वन बन जाएगा, कॉलम नंबर वन, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, मैंने ओवरराइड कर दिया काफी सारा, बस देखो तुम्हारा टू थ्री का क्या होगा, ध्यान से देखना दोस्त, टू और थ्री का क्या होगा, ये फोर सिक्स इन सबका क्या हो रहा होगा, देखो तो ध्यान से देखो, तुम्हारा टू थ्री, ठीक है, और क्या था, फोर फाइव सिक्स, क्या सेम सिचुएशन यहां हो रही है, क्या सेम सिचुएशन यहां हो रही है, बस हाँ और ना का जवाब दे दो, और ये चीज तुम्हें अच्छे से बहुत मस्त करके समझाइए, ठीक है, बहुत मस्त करके समझाइए, अगर ये चीज समझ ली तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी दोस्त, दिक्कत ही नहीं आएगी, एक बार ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो क्या किया है, ठीक है, हमारे पास कॉलम रो स्टार्ट ये वन था, तो हमने देखो ये वन से स्टार्ट करा, एंड कहाँ कर दिया, तीन पे कर दिया, चलो ठीक है, कॉलम स्टार्ट करा वन से, ठीक है, कॉलम एंड कर दिया, ये कॉलम है ना, और इसको हमने हाईलाइट करके दिखा दिया, ये मेरा एक क्या बन गया, पूरा एरिया बन गया, ठीक है, अभी मान सकते हो इसको एक पूरा, इतना तुमने उसको एक्सपेंड कर दिया, आया चीज समझ में, आया कि नहीं आया चीज समझ में दोस्त, ये बता दो बस, तुम्हें ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, मैं ना सिक्स को एक्सपेंड करना चाहता हूँ ना, तुम्हारे एकदम मन में दिमाग में आई चीज कि भाई सिक्स को एक्सपेंड करो, तो बॉक्स, ठीक है, सिक्स में जाते हैं, वहां मैं लिखता हूँ ग्रिड, ठीक है, ग्रिड नहीं होता भाई, ग्रिड एरिया करके लिखता हूँ, अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, देखते हैं ना, वन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और कॉलम को भी मैं वन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ, जो कि गलत हो सकता है, थोड़ा इग्नोर करना है ना, तो क्या बनता है, मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा, देखो, अच्छा ठीक है, वन से स्टार्ट किया, वन पे एंड किया, ठीक है, फाइव से फाइव, वन से रो स्टार्ट की, वन से कॉलम स्टार्ट किया, पांच पे रो एंड कर दी, और ये क्या है, तीन पे तुम्हारा कॉलम एंड हो गया, देखो वन से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, नहीं हो गया है ना, हाँ वन से स्टार्ट हो गया, तीन पे एंड हो गया, वन से तुम्हारा वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, बॉक्स वन कहाँ गया, तो बॉक्स वन कहाँ गया, वेयर इज बॉक्स वन दोस्त, बॉक्स वन किधर है, मैंने कहा बॉक्स वन उसके पीछे है, नहीं आ रहा यकीन, दिख रहा है, कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या दोस्त, बॉक्स वन वही है बट ये ऊपर आ गया है ना, ऊपर आ गया, तो तुम जी इंडेक्स का यूज करके, जो कि मैंने तुम्हें बता रखा है, बेसिकली ये अगर तुम्हारे डब्बे, जिसका जी इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, जिसका कम होगा वो नीचे होगा, इतना सा है ना जी इंडेक्स का खेल, इसको हाइड करते हैं, ये चीज है, अच्छा ये चीज मैंने क्या दी थी, अच्छा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, उसने उसको ओवरलैप कर दिया, सिंपल से इतनी चीज हुई थी, और अब ये बताओ ये प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू ये प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हो आप, है ना, कैसे कह सकते हो आप, बट यहाँ पे अगर मैं वही बनाऊँ ना, ये मैंने रो एंड का करिए थ्री पे, तो मैं थ्री पे स्टार्ट कर दूँ, अब देखना कितना अच्छा लेआउट बनेगा ना, और ये कॉलम स्टार्ट किया मैंने वन पे, तो इसको मैं कर देता हूँ, और एंड किया फोर पे, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, ये देखो कितना मस्त सा बन गया ना, मस्त तो कहना नहीं चाहिए बट ठीक है, तीन पे स्टार्ट किया, तीन ये रही रो, पाँच पे एंड किया, चार पे स्टार्ट किया, मैं ना इसको करना चाहता हूँ दो पे, कर लो भैया कर लो, है ना कर लो, वो उधर खिसक जाएगा, अच्छा मैं ना इसको करना चाहता हूँ वन पे, कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऊपर पहुँच जाएगा, बॉक्स टू इधर आ जाएगा, थ्री फोर फाइव, और ये तो चल ही रहा है, ठीक है, अच्छा ये ऊपर क्यों भाई, ये तुम यहाँ स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, फिर वो भी तो बताओगे, तो ये एक ऐसा करके ना तुम लेआउट सा बना सकते हो, कुछ भी अजीब सा है, तो बहुत अजीब और गरीब सा लेआउट है, बट हाँ तुम्हें समझ में आ रही है, बट ये समझा दो मुझे ना, ये समझा दो ये क्या लिखा है, मैंने कहा दोस्त रुको 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 समझाता हूँ, हाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस,
ये चीज समझाते हैं ना, ये चीज समझाते हैं जल्दी से। एक बार समझ लोगे दिक्कत कभी नहीं आएगी दोस्त। ये हमारी क्या होती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती है, लाइक तुम जानते हो ऑलरेडी हमने बॉर्डर बॉर्डर सब कवर कर रखा है, तुम अच्छे बच्चे हो। यार ये क्या है मेरी, कहाँ गया, आ रही है यार। हाँ देखो दोस्त, ये ग्रिड एरिया ये होता है तुम्हारा रो स्टार्ट, ठीक है, ये होता है तुम्हारा कॉलम स्टार्ट, ठीक है, गलत START, ठीक है, ये होता है तुम्हारा रो एंड, और ये होता है तुम्हारा कॉलम एंड। अगर मेरे दोस्त आपने ये चीज समझ ली तो सारी चीजें आपके लिए इजी पीजी है, ठीक है। ग्रिड ये सॉर्ट प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड एरिया लगाओ, ठीक है, बेसिकली तुमने यहाँ पे एरिया डिफाइन किया है, अच्छा रो यहाँ से स्टार्ट करो, कॉलम यहाँ से स्टार्ट करो, रो एंड कर दो, कॉलम एंड, दैट्स इट दोस्त मेरे, दैट्स इट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, ये बता दो बस, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये चीज समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है तुम और मैं भी, है ना। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी ग्रिड एरिया, ठीक है, आई। अब पता है एक चीज और होती है, मैं बताता हूं, है ना, खुद समझ लोगे, बाकी चीजें तो खुद रिलेट कर लोगे। ग्रिड रो, ठीक है, ग्रिड रो है बेसिकली यहां पे कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पे एंड हो रही है ना। ग्रिड कॉलम कहां पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 4 पे स्टार्ट हो रही है तुम्हारी कॉलम, और कहां पे एंड हो रही है, 6 पे। ये इक्विवेलेंट टू दिस है ना, दिस इज इक्वल। अब कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, अब पड़ेगा क्योंकि अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऑब्वियसली, अब वही आ जाएगा, समझे समझे दोस्त। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक ही है, इनको अलग अलग करके बता रखा है। ये चीज आई कि नहीं आई समझ में, ये बता दो दोस्त। आ गई ये सारी चीजें समझ में, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े दोस्त, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बताता हूं ना, एक प्रॉपर्टी और बता दो जल्दी से। ग्रिड एक मिनट रुको दोस्त, एक मिनट रुको, है ना, आई वॉन्ट टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। मुझे एक चीज बतानी है तुम्हें, प्रॉपर्टी देखता हूँ जल्दी से। ये तो हमने देख लिया है, बट ये भी नहीं है वैसे कि तुम ये चीज समझ गए होंगे क्या हुआ है ना, क्या हुआ है, ये चीज भी आप समझ गए होंगे, बट मुझे यार आपको एक प्रॉपर्टी दिखानी है जो मिल नहीं रही है अभी, बट छोड़ो ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी उसको भूलते हैं, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, ये बता दो। ग्रिड ये चीज आ गई समझ में, आ गई है, एक्सपेरिमेंट करना खुद, है ना, एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा खुद। चलो जी, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, है ना, कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, ये सारी चीज़ों को रहने देते हैं ना, इसको कमेंट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और आती है, ठीक है, एक होता है गैप, हाँ यही थी वो भाई साहब, ठीक है। ग्रिड पता क्यों थी, ये एक कटा कटा दिख रहा है, हाँ 20 पिक्सल कुछ गैप आया ग्रिड्स के बीच में, हाँ दोनों डायरेक्शन में आ गया, रो में भी आ गया कॉलम में भी आ गया, मुझे तो रो में चाहिए, तुम्हें रो में चाहिए तो कॉलम को जीरो कर दो, कॉलम में ज्यादा चाहिए कम चाहिए, रो में चाहिए ही नहीं, ठीक है भाई जैसी मर्जी है। तो ये वैल्यू रो की होती है, ये वैल्यू कॉलम की होती है, कहाँ कितना गैप देना है बता दो भाई साहब को, कर देंगे। ये चीज आई कि नहीं समझ में, ये भी आ गई है मस्त करके आ गया ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना। ये चीज़ मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। चलो
और कुछ ऐसा सा बनाने का ट्राई करते हैं ना दोस्त, ऐसा सा बनाने का ट्राई करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बनवाया था, है ना, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ बनाते हैं, हेडर साइड बार कॉन्टेंट वन कॉन्टेंट टू, है ना, इसको बनाते हैं। तो हमने क्या बनवाया था, यहाँ पे लिख लेते हैं हेडर, ठीक है दोस्त, साइड बार, ठीक है, कॉन्टेंट कॉन्टेंट वन, ठीक है यार, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और कॉन्टेंट टू, बॉक्स वन टू, और ये रहने देते हैं ना, ये रहने देते हैं। तो कैसा सा आ गया होगा ये, कुछ ऐसा सा आ गया ना, ऐसा सा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, ये चीज़ नोटिस करना, हेडर है, साइड बार है, कॉन्टेंट है, ये चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, ऑब्जर्व करो, रो बताओ रो कितनी है, रो बताओ जल्दी से दोस्त, रो कितनी है इसमें, एक दो तीन, कॉलम कितने हैं, एक दो, दो कॉलम है, तीन रो हैं। ये चीज़ हुई कि नहीं हुई, डाइजेस्ट ये बताओ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, एक दो तीन क्या है, क्या है दोस्त, रो हैं, एक और दो कॉलम है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ओ भाई नन नहीं, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक बार देखो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, जस्ट एक बार देखो, समझाता हूँ। देखो एक बार देखो, है ना, एक बार समझने की कोशिश करो मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, क्या लिख रहा हूँ, एक बार देखो, है ना, एक बार देख लो, मैं कितनी बार बोलूँगा बता, तुम एक बार देख लो दोस्त, ठीक है, जल्दी से देखते रहो, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ दोस्त, नहीं जा रहा हूँ कहीं, नहीं जा रहा हूँ, है ना, नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट तो रुको मेरे भाई, है ना, एक मिनट तो रुको। ग्रिड एरिया, ठीक है, यही है ना, यही है, कैसा बना, मजा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा मजा नहीं आ रहा ना, मजा आएगा ना, रो कितनी है, तीन, कॉलम कितने हैं, दो, ताली बजा दो एक बार, ताली बजा दो, कि घिस तो जाओगे नहीं, है ना, ताली बजा दो, कि घिस तो जाओगे नहीं। कैसा लग रहा है दोस्त, कैसा सा लग रहा है ये बताओ, अरे अभी भी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा सर थोड़ा सा फीका फीका सा रह गया ना, थोड़ा सा ना ऐसा सा, मतलब थोड़ा ना मजा आ जाता थोड़ा, ये क्या हुआ, ये तुमने ना, ये तुम रट के लाए थे चीज, ठीक है, जो तुम रट के लाए थे, तुमने हमें ना वो चीज पढ़ा दी, ये तुमने रट्टा मार रखा था, इसको तुमने धड़ 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 पता नहीं क्या टाइप करा, और ये चीजें हो गई, है ना, ये चीजें हो गई, और बना तो तुमने खैर दिया है कुछ, बट ये कैसे किया हमें कैसे पता चलेगा, ये कैसे किए हो तुम हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, हम बताते हैं ना कैसे पता चलेगा। तो यार देखो, हेडर आया, साइड बार आया, कॉन्टेंट कॉन्टेंट टू, है ना, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्त, है ना, सिंपल सी चीज़ है, और सिंपल सी चीज़ क्या है, सिंपल सी चीज़ इतनी सी है, ये हेडर है, साइड बार है, कॉन्टेंट वन है, कॉन्टेंट टू है। तो तुमने क्या काउंट किया, तुमने काउंट किया एक दो तीन, ये सारा बेसिकली तुमने पहले डिज़ाइन ऑब्जर्व किया, डिज़ाइन ऑब्जर्व, पहली पहली चीज़ डिज़ाइन ऑब्जर्व किया, हेडर है, कॉन्टेंट है, ये सारी चीज़ें, अच्छा रो कितनी है, रो और कॉलम ऑब्जर्व किया, एक दो तीन रो है, दो कॉलम है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता अभी, बस याद है मुझे दो कॉलम है, तीन रो है, अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दी, क्लास विलास दे दी, ठीक है, ये चीज़ पता है। एक चीज़ होती है हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट एरिया, तुम्हें ना ये करना है, यहाँ ये लगाना है, इसको यहाँ भी लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात चीज़ नहीं है, बस यहाँ मत लगा देना कुछ, है ना, यहाँ मत लगा देना कुछ, है ना, दिक्कत पड़ जाएगी, दिक्कत पड़ जाएगी, यहाँ मत लगा देना,
इसके पीछे कुछ सेमी कोलन कोमा कोमा कुछ नहीं लगेगा, बस ये तुम्हें डिजाइन करना है, ठीक है, इस डिजाइन को तुम्हें करना है। अगर तुम यहाँ पे हेडर की जगह ना कंटेंट वन लिख दोगे दोस्त, तो अब देखो यार तुमने गलती करवा दी भाई, मैं रट के लाया था, तुमने सारा रट्टा मेरा गलत करा दिया। इसको क्या हो गया, कंटेंट टू क्यों नहीं वर्क कर रहा है ना, कंटेंट टू क्यों नहीं वर्क कर रहा वहां। अब यार ये तो मुझे भी नहीं पता कंटेंट टू वर्क क्यों नहीं कर रहा है, कंटेंट वन वर्क कर, नहीं 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 अगर मैं कंटेंट वन दूंगा तो ये क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, और ऐसे से तो ये हो गया है ना, और रो भी तुमने मतलब कॉलम भी, रो भी तुमने तीन दे रखी है, एक दो तीन, और कॉलम भी तुम्हारे दो हैं, फिर भी ये चीज़ हो रही है, वाई, ठीक है वाई। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं तो काम कर रहा है, बेसिकली लाइन में दिक्कत है ना, लाइन में ही दिक्कत है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छे से शो हो रही है चीज़ें, तो यहाँ क्या दिक्कत है। और यहाँ पे मैं कंटेंट अगर टू लिखूं, ऐसे डिबग करते हैं ठीक है, तो अभी भी नहीं चल रहा, अगर वन कर दूं नहीं चल रहा जी, वन कर दूं नहीं चल रहा है ना, चल रहा है नहीं चल रहा है, और यहाँ पे साइड बार कर दूं, ठीक है करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है दोस्त, नहीं चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, पता नहीं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं बहुत चुलट वाली चीज़ें कर रहा हूँ। ये क्यों नहीं चल रहा है, मेन दिक्कत यहाँ आती है दोस्त, ये क्यों नहीं चल रहा है ये बता दो, वाह वाह वाह, ठीक है क्यों नहीं चल रहा है ये, और हेडर देने पे तो बड़ा मस्ता चल रहा है, ठीक है ये क्या नहीं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें मस्त हैं, ग्रिड एरिया तुमने डिफाइन किया है, ठीक है बेसिकली ग्रिड एरिया क्या, पहले ग्रिड एरिया बता देता हूँ, ग्रिड एरिया के सामने तुमने वो चीज़ लिख दी है, ठीक है ग्रिड एरिया में तुमने जाके ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो वो तुम्हारा क्या बना, वो तुम्हारा ग्रिड एरिया बन गया, उसका नाम ग्रिड एरिया का नाम दे दिया, और वो यहाँ पे जाके मैच कर लेगा और काम बन जाएगा तुम्हारा। बट ये भी चीज़ मुझे समझ में आ गई, ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ, अच्छा ठीक है, लेकिन ये कंटेंट टू और साइड बार क्यों नहीं काम कर रहा, शायद से ये कर जाएगा है ना, ये कर जाएगा, लेकिन ये कंटेंट टू वर्क क्यों नहीं कर रहा, मैं बताऊं दिक्कत, बता दूं दिक्कत, अभी भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम कोई भी चीज ना स्ट्रेट करा सकते हो दोस्त, स्ट्रेट करा सकते हो, क्या तो तुम रो में करा लो उस चीज को, या तो कॉलम में करा लो, ये शेप ना बनाओ तुम, ठीक है शेप ना बनाओ। यहाँ पे तुमने अगर कंटेंट ना टू दिया हुआ है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कंटेंट वन यहाँ पे है। तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम गड़बड़ कह रहे हो कुछ, ठीक है तुम एक साथ दोस्त चीजों को, अगर तुम यहाँ पे कंटेंट वन दोगे दोस्त काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, 101% काम करेगा, लेकिन टू दोगे काम नहीं करेगा, ये अटैच होनी चाहिए, देखो अब काम कर जाएगा, इस लाइन को ऊपर ले गया, इसकी तो दिक्कत है ही, अब कंटेंट टू आ जाएगा, तो होप्स आप समझ रहे हो, ठीक है वो चीज़ समझ रहे हो कि हिसाब से देनी है चीज़ें, ठीक है हिसाब से देनी है चीज़ें, आपस में हो, और जो भी तुम अपनी कराना चाहते हो वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही हो, ऐसे या ऐसे, ठीक है कॉलम में हो या रो में हो, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ हेडर और ये साइड बार करके आना चाहिए, बस यही था भाई, यही था तुम्हारे पूरे इसमें, ठीक है पूरे तुम्हारे ग्रिड में इतना सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बस। बाकी ये जो है ना, ये बता दो क्या तुम ये बना नहीं सकते, जस्ट ऑब्जर्व करो, रो बताओ कितनी है, तीन रो है, कॉलम बताओ कितने हैं, तीन कॉलम है, तीन रो है तीन कॉलम है, तो क्या करना है तुम्हें, यहां पर 3x3 कर देना है ना, और यहाँ पे भी 3x3 ऐड कर देना है, और ये चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हें ऐसे करना है मेन्यू वन, जैसे यहाँ पे 3 बार हेडर ऐड करना है, कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 बार हेडर, जैसे इसको क्रिएट करें, इसको क्रिएट करें क्या, आइटम कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 क्रिएट करते हैं भाई, तुम्हें क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है क्या क्या है, हेडर मेन्यू मेन राइट फुटर, हेडर
मेन्यू मेन मेन्यू मेन राइट फुटर, पता है तुम्हें दोस्त, ये ना वीडियो दोबारा चल रही है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वीडियो दोबारा चल रही है जो रिकॉर्ड हो रही है, और अगर ये कटी और रात के पता है कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं कुछ यही तुम्हारे 2:16, 9 दिसंबर है, और आज वीडियो जानी है और ये कटी और सुबह मुझे कॉलेज जाना है, तो सही है भाई सही है, ये चीज़ आई समझ में, है ना। चलो देखते हैं करते हैं, हेडर मेन्यू मेन राइट फुटर, हेडर मेन्यू मेन राइट फुटर, सही है ना दोस्त सही है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हेडर बनाना है, जस्ट नोटिस करो, पहले तुम 3x3 की बना लो, 3x3 का बना लो काम फिनिश, आते हैं वापस अपने उस पर, फुटर आ रहा राइट के, अभी करते हैं सही है ना, करते हैं, ये समझ नहीं पा रहा है तुमने राइट किसको दिया है, साइड बार किसको दिया, रुको, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, मेन्यू था आई थिंक सो, ठीक है, यहाँ पे मेन्यू था, यहाँ पे क्या था, और ये भी चीज़ होनी चाहिए, अगर तुमने 3x3 की दी है तो उस चीज़ में कॉन्टेंट फील होना चाहिए दोस्त, है ना, उस चीज़ के अंदर कॉन्टेंट फील होना चाहिए, यहाँ पे था तुम्हारा मेन राइट, है ना, मेन राइट, यहाँ पे तो आता ना फुटर, कितनी बार आएगा दोस्त फुटर बताओ बताओ, 3 बारी बस, हेडर ठीक है, यहाँ पे दो राइट नहीं मेन्यू दे दो ना, मेन्यू ठीक है, और यहाँ पे दे दो क्या था, मैं भूल क्यों जा रहा हूँ, मेन राइट फुटर, हमने मेन दिया है ना, मेन राइट मेन ठीक है, और ये फुटर हेडर मेन्यू मेन राइट, ये राइट आ जाएगा, फुटर H5 ले लेता, ठीक है देखते हैं क्या बनाया, अरे हमारा किधर गया, हाँ अच्छा फुटर ये ऐसा क्यों आ रहा है, तुमने 2 बारी दिया होगा वहाँ पे, 2 बारी दिया होगा ना, होशियार बन गए होंगे तुम, नहीं तो हाँ हाँ तो ये तुमने फुटर की स्पेलिंग गलत की थी, बन गया वही चीज़ बन गया है ना, बन गया वही चीज़ बन गई, बट यहाँ पे ना हाइट और विड्थ का सीन आ रहा है दोस्त, है ना, हाइट और विड्थ का सीन आ रहा है, अब मुझे इसकी हाइट और विड्थ कैसे कंट्रोल करनी है, मैंने क्या कहा दोस्त, ये रिपीट का फंक्शन है ना, अब ये काम नहीं आएगा, है ना, ये काम नहीं आएगा, अब क्यों नहीं काम आएगा, यहाँ पे देखो तुम्हें हर उसमें हाइट और विड्थ अलग दिख रही है ना, हर उसमें हाइट और विड्थ अलग दिख रही है, और एक चीज हो रहा है भाई, यहाँ पे मेन्यू है ना, देखो यहाँ पे ये मेन्यू है पूरा, फुटर उतना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके मेन्यू लिख देंगे, काम डन, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हाइट उसकी कम कर दो, हाइट कम कर दो, लाइक इसकी इतनी दे रखी है 50 पिक्सल कर दो, तुम्हें एग्जैक्ट बनाना है ना, ऐसा देखो ये कुछ कुछ लग रहा है, कुछ कुछ लग रहा है, कुछ कुछ लग रहा है, अब बोलोगे तो यहाँ पे मेन की ज़्यादा है उसकी कम है, मेन की ज़्यादा है उसकी कम है, और ये कौन सा कॉलम है तो उस कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो तुम्हें ये चीज़ हटानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे कस्टमाइज करके सेकंड कॉलम के लिए लिखनी पड़ेगी, है ना, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है आगे समझ में, हाँ बोलो आ गया है, और तुम वो चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे ग्रिड लिखोगे, ये देखो देखो वो आ रहा है मेन राइट फुटर, ये जो जो हमने दिया था, ठीक है ये कहाँ से आ रहा है, ग्रिड टेम्पलेट यहाँ से आ रही है ना, ग्रिड टेम्पलेट ही यहाँ से आ रही है चीज़ें, ये चीज़ आई कि नहीं आई दोस्त समझ में, ये बताओ, आ गया आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई समझ में, और एक होता है तुम्हारे पास, मैं बताता हूँ जाते जाते बताता हूँ ना, मिन मैक्स करके एक फंक्शन होता है, मिन मैक्स करके फंक्शन का होता है, मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल मिनिमम हमें 50 पिक्सल दे दो और मैक्सिमम 1 FR, देखो मैक्सिमम 1 FR देगा, लेकिन जैसे इसको छोटा करोगे, नहीं मैंने बोला तो सही है ना, मिनिमम, ये देखो फंक्शन होता है मिन और मैक्स, मतलब कम से कम इतनी वैल्यू दे दो और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैल्यू दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा तो है ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, बट इसको मुझे कम से कम कैसे करूँ मैं, हाँ कम से कम ये है ना, देखो देखो तो मैं खुद भटक जाता हूँ भाई, 100 देखो कम से कम 100 होगी इसकी वैल्यू भाई, मैंने सही दिया है ना, काम काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ हो तो रहा है काम, हो तो रहा है काम,
50 बेसिकली हाइट में हो रहा है काम, है ना, हाइट में हो रहा है काम, तो इसको अगर हम यहाँ दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, यहाँ दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई थिंक सो। देखो दोस्त, है ना, देखो भाई डर लग रहा है मुझे रिकॉर्डिंग का, देखो 50 पे आके रुक गई होगी, है ना, और देख लेते हैं, ये देखो हुआ, तो इससे कम तो नहीं होंगे तुम्हारे डब्बे, इससे कम तो नहीं होंगे, वो बैकग्राउंड अलग हो रहा है उसको अलग छोड़ो, लेकिन देखो इससे कम तो तुम्हारे डब्बों की विड्थ होगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे फुल रहेंगे, जितना है फुल रहेंगे, तो ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिव बोल सकते हो उसको, थोड़ा सा, है ना, रेस्पॉन्सिव बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो ना। यहाँ पे एक मैं ऑटो फिट लिखता हूँ, तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये तो ऑलरेडी पूरा फिल है ना, तो इसमें ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, आप कोशिश करें, नहीं है, वही है, वही है, छोड़ो, कॉलम्स, ऑटो फिट, ये सारी चीज़ें, कोई गल नहीं, दोस्त आई है चीज़ समझ में, आई है कि नहीं आई है ये बताओ, है ना, चीज़ें आई है कि नहीं आई है ये बता दो, बस सारी चीज़ें हमने कर ली यार अच्छे से कवर, और ये डिज़ाइन तुम ना होमवर्क में बनाना, ठीक है, देखो सबसे टॉप में देखो कुछ मस्त मस्त डिज़ाइन होंगे, ये डिज़ाइन है कुछ करना है, नोटिस करो कितनी वो है कितनी वो है, कर लो, गैप दिया हुआ है, गैप हमने दिया हुआ है, ये डिज़ाइन बना के देख लेना, ठीक है, ये डिज़ाइन बना लेना, ग्रिड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, ग्रिड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ये मैं बोल रहा हूँ, ग्रिड की प्रैक्टिस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, पक्की बात है ना, पक्की बात है, ये चीज़ है, रिपीट तुम्हें पता है, मिन मैक्स पता है, ठीक है, और ऑटो फिट लिखा है वो काम आता है तुम्हारा रेस्पॉन्सिव में, ठीक है, उसको मैंने अभी दिखाया नहीं है, मुझे याद है, कहीं ऐसे नहीं भाई इससे हुआ नहीं है, भूल गया, भाग रहा है, याद है दोस्त, याद है, कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से कराऊंगा उसको भी, अभी रुको, है ना, अभी रुको, अभी तुम पहले इतनी चीज़ें तुम्हें आई कि नहीं आई समझ में यार, ये बता दो, ये सारी चीज़ें आई कि नहीं आई समझ में ये बता दो यार, इसमें तो और भी है पता है, इसमें बैटरी है, बैटरी तो है, जस्टिफाई कंटेंट, वो सारी चीज़ें भी हैं, चलो बताता हूँ तो मेरे दोस्तों, तो वो भी वाली सर, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, यहाँ सेंटर कर दो, ये तो तुम्हारा ऑलरेडी पैक्ड है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी पैक्ड है, इसको थोड़ा हाइट को इनक्रीज कर लो, अब ये बन एफआर ही लेगा, ये बन एफआर ही लेगा, एक काम करो, हाँ देखो सेंटर में आ गया, सारी चीज़ें सेंटर में आ गई, वही चीज़ है दोस्त, वही चीज़ है ना, इसके बीच में लिख दो स्पेस अराउंड, तो ये जो होंगे, ठीक है, ग्रिड से हटाओ भाई से, तो उनके बीच में स्पेस अराउंड आ जाएगा, ये चीज़ आई कि नहीं आई समझ में, ये भी वही चीज़ है ना, बिटवीन, ठीक है, इसके जहाँ जहाँ तुम्हें गैप दिख रहा है बस उसके बीच में हो जाएंगी, अच्छा यहाँ क्यों नहीं हो रही, वहाँ पर भी करें, उसके लिए आता है तुम्हारा अलाइन, ठीक है, ये कॉन्टेंट करो, स्पेस बिटवीन दो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि हाइट ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग, अच्छा हाइट नहीं है, तुम झूठ बोल लो भाई, लो हुआ, बिटवीन दे रखा है ना, तो हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तो कर लो, अराउंड दे दो, दिखा फ़र्क, फ़र्क नहीं दिख रहा है दोस्त, है ना, फ़र्क तो दिख ही नहीं रहा है, फ़र्क क्यों नहीं दिख रहा, कॉलम में एफ आर नहीं तो रोज में एफ आर ना, अब दिखेगा फ़र्क, है ना, अब दिखेगा फ़र्क, ये देखो बिटवीन, ये ऊपर पहुंच जाएंगी, बस तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो ऊपर पहुंच गई, ठीक है, अलाइन दिया, अलाइन हमारा कॉलम पे काम करता है, अब तुम बोलोगे यार कॉलम पे काम करता है, तुमने रो की चेंज की है, क्योंकि यार विड्थ रो की चेंज हुई है ना, है ना, वो विड्थ हमने रो की चेंज की है, तो वो कॉलम पे वर्क करने लगेगा, समझ समझो, कन्फ्यूज नहीं होना ना, कन्फ्यूज मत होना, समझो, थोड़ा डाइजेस्ट करो चीज़ों को, ये तुम्हारी ये थी, ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा दिखने लगेगा, अच्छा सा दिखाएं इसको, 1FR दे दो, अब यहाँ पे भी तुम दे सकते हो 1FR, ठीक है, आई चीज़ समझ में, और ये बॉक्स 1 है, इनके लिए एक होती है प्रॉपर्टी, ठीक है, जस्टिफाई सेल्फ, ठीक है, इनको कर दो सेंटर, तो ये पर्टिकुलर चीज़ को सेंटर कर देगा, ठीक है,
अच्छा ऐसे नहीं करना, अलाइन सेल्फ कर लो तो ये ऐसे सेंटर हो जाएगा, बाकी तो प्रॉपर्टी तुम्हें पता ही है, बस इतना सही है, दोनों कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। सेल्फ सेल्फ बेसिकली होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, को सेल्फ में ही आ रहा है ना, सेल्फ एक बॉक्स बन जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी, इनको बताने से मैं घबरा रहा था। इतना ही है दोस्त, इतना ही है लेक्चर नंबर 20 के ग्रिड में, बस ये तुम्हारी ग्रिड हो गई है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं ग्रिड, दैट्स इट, ग्रिड खत्म। बहुत मेजर मेजर प्रॉपर्टी कवर कर लिए, सारी ही कर लिए यार, सारी कर लिए, ठीक है, सारी ही प्रॉपर्टी कर लिए हैं लेक्चर नंबर 20 में। क्या करा है एक बार 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं। ग्रिड देखी, फ्लैक्स बॉक्स हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, जस्टिफाई वाली सारी फ्लैक्स बॉक्स की है और कुछ ग्रिड की भी है, ठीक है, काम कर रही है। मत ग्रिड पे आए, तुम्हारा एक 2D लेआउट होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बना हुआ होता है, रो लाइन तुम्हें पता है, कॉलम लाइन तुम्हें पता है, ठीक है, एक ऐड कर दो रो नंबर में तो तुम्हारी रो लाइन आ जाएगी, वैसे ही कॉलम। ये तुम्हारा एक लेआउट है, ठीक है, एक तुम्हारा लेआउट है जिसको तुम बिल्ड कर सकते हो अच्छे से, कैसे, ग्रिड से कराए, करा है, इसमें रो कितनी है काउंट करो, 3 रो है, 3 ही कॉलम है, जस्ट तुम्हें बिल्ड करना है, वही चीजें अप्लाई करके ले आनी है और काम बन जाएगा दोस्त, काम बन जाएगा। स्नीकर स्टोर बना सकते हैं बिल्कुल। ये चीज बिल्ड करी थी, करी तो थी, करी तो थी। प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है, टेम्पलेट रो बेसिकली, तुम अगर यहां पे एक वैल्यू दोगे तो वो एक रो की सेट हो जाएगी, 2 3 4। हमने 1 FRQ दिया था जो कि हमारा साइज है, उन सब में वो चीज इक्वल डिवाइड हो जाए। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्यों दिया था, उसी के लिए। ये फ्रैक्शन फंक्शन जो कि अभी तुम्हें बताया था है ना, और ये तुमने प्रॉपर्टी देख ली, रो स्टार्ट कैसे कर रहे थे यहां से और एंड का कर रहे हैं यहां पे, स्टार्ट कॉलम यहां, एंड यहां, तैयार तुम्हारा एरिया। शॉर्ट हैंड भी देखा था इसका कोड में ना, जो कि ये रहा भाई, खांसी क्यों होने लगी मुझे एकदम से। ग्रिड एरिया ये सारी चीज तुमने ऑलरेडी देख ली है ना, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें देख ली हैं, सही यार। तो एंड करते हैं इसको, ठीक है, एंड करते हैं लेक्चर को, और कोई भी दिक्कत आए एक बार बताना, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना मत भूलना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल सी चीज़ें, यहाँ जाना, यहाँ पे देखना ग्रिड इन CSS, ठीक है, टॉप की कुछ वेबसाइट आएंगी 3 4, जाके देख लेना, जस्ट सारी तुम्हें ग्रिड की हिस्ट्री पता चल जाएगी, क्या सीन है कैसे है ना, कोई दिक्कत वाली बात तुम्हें होगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तुम्हें होगी नहीं, और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कन्फ्यूजन अभी भी नहीं होगी दोस्त, अभी भी नहीं होगी, बस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो जाएगी, प्रैक्टिस करना वो सब हो जाएगा, ठीक है। चलो यार फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, और इसको अच्छे से एक बार देख लेना दोस्त, प्रॉपर्टीज को एक बार, कोड को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना, उन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, बाकी सारी चीज़ें शॉर्ट है एकदम, है ना। तो यार मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।